आपका क्या ख्याल है मोहतरमा? वाह, क्या जगह है और माहौल भी कितना अच्छा है। हाँ? हाँ? ये मर्दों को सिखाने की बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूब। मैं बहुत देख चुका हूँ मोहतरमा। जी, हम यहाँ कंक्रीटर माहिराना ट्रेड इम्तिहान के लिए आए हैं। कंक्रीटर माहिराना ट्रेड इम्तिहान के लिए सबसे अहम क्या है? ये तवज्जो और ध्यान से रहने की सलाहियत है। आपकी आंखें, मुंह, नाक और उंगलियों का ढका होना जरूरी है। तो चलो आ जाओ। कंक्रीटर माहिराना ट्रेड इम्तिहान चार हिस्सों में तकसीम है। मेयार के तसल्लुत के 10 नंबर हैं और फिर सीढ़ी के लिए कंक्रीटिंग, तकसीम शुदा दीवार का नमूना और सिल, इन तीन हिस्सों के 90 नंबर हैं। अगर आप इम्तिहान को 3 घंटों में मुकम्मल करते हैं और कामयाब होते हैं तो फिर आप माहिराना कंक्रीटर के लायक होंगे। कंक्रीटिंग इम्तिहान की शुरुआत से पहले आपको पहले मेयार का तसल्लुत करना चाहिए। कंक्रीट की दुरुस्त जांच किस तरह करनी है? आपको कंक्रीट का दर्जा हरारत की पैमाइश करनी है। मौसम की पेशगोई में खुशामदीद। मेरा नाम है लिंका की। आज का मौसम उम्दा है। दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है। अब सिट कोकबन मौसम की पेशगोई से मुतालिक रिपोर्ट करेंगे। आइए चलें उनके पास। शुक्रिया लियंका की। आइए आने वाले कुछ दिनों में मौसम की पेशेनगोई पर एक नज़र डालते हैं। दिन के दौरान मौसम उम्दा रहेगा, हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% रहेगा। हफ्ते के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है और कंक्रीट का दर्जे हरारत अब किमी चिम हमें कंक्रीट का दर्जे हरारत बताएंगी। आइए उन्हीं से सुनते हैं। मुझे लगता है लियंका की के पास वापस जाना पड़ेगा। क्या ये सब मुझे करने दो। ये बराह रास्त है। क्या ये बराह रास्त है? सभी को सलाम। जैसा कि हम तीनों के पास मुख्तलिफ जवाबात हैं, तो हम कंक्रीट ट्रेडर इम्तिहान के निगरानकार मुअल्लिम मिस्टर कुक से पूछते हैं। मिस्टर कुक, कंक्रीट के दर्जे हरारत की पैमाइश का मुनासिब वक्त कौन सा है? दर्जे हरारत की पैमाइश का सही वक्त ढांचे में कंक्रीट को डालना है। लेकिन हमें दर्जे हरारत को मापने की जरूरत क्यों है? हमें फराहम करने की जानिब से सामान के मेयार को यकीनी बनाना होता है और काम के मेयार पर यकीनी तौर पर अमल करना होता है। सर, दर्जे हरारत की जाँच के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? हमें स्लम टेस्ट करना होता है। स्लम टेस्ट क्या होता है? स्लम टेस्ट के दौरान हमें काम के हिस्से को 3 तहों में तकसीम करना है और स्लम कोन में 25 दफा फी तह को भरना होता है। भरने के बाद स्लम कोन की रम को साफ करना है, फिर कोन को ऊपर उठाना है। मर्ताशुदा कंक्रीट के ऊपर से नीचे तक की रेटिंग का मवाजना करना है, फिर आप कंक्रीट की मौजूदा अमल पजीरी जान सकते हैं। बहुत पेचीदा है। ये तो बिल्कुल केक बनाने के मुतरादिफ है। अरे बिल्कुल भी नहीं। कंक्रीट का दर्जा हरारत मौजू है या नहीं, इसकी पैमाइश करना याद रखें। इम्तिहान से पहले कंक्रीट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हरारत पैमा को मौजू जगह पर रखें। निस्फ या एक मिनट के लिए इंतजार कीजिए। रीडिंग निगरान इम्तिहान को रिपोर्ट कीजिए। स्लम टेस्ट लेना ना भूलें। इस बात को जांचने के लिए कि क्या कंक्रीट काम के मेयार पर पूरी उतरती है, ताकि तामीरात का मेयार मुतासिर ना हो। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। मेरा हुक्म सुनो और फिर अंदर जाना। ठीक है। तुम सीढ़ियों की तरफ, बन तुम दीवार की तरफ। जी मोहतरमा। और आप? क्रेन। क्रेन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपका काम क्या है? हाँ, मुझे जरूरत नहीं है, मगर मुझे क्रेन के आमिल से बात करनी है। चलो 3, 2, 1, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो। सीढ़ियाँ और तकसीम शुदा दीवार की कंक्रीटिंग के फी नंबर 30 हैं। उम्मीदवारों का कौन सा कदम या अंदाज है जो बासानी गलत हो सकता है? चाहे सीढ़ियों पर कंक्रीट डाला जा रहा हो या तकसीम शुदा दीवार पर, उम्मीदवारों को चाहिए कि क्रेन के अमल से दुरुस्त सिग्नल के जरिए रब्ता करें। कंक्रीट को नामजद शुदा मकाम पर लाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट को सांचे में पड़ी बाल्टी में डालें। सर, सीढ़ी के कंक्रीटिंग से मुतालिक हमें किस चीज पर गौर फिक्र करना चाहिए? का आगाज बुनियादी हिस्से से होना चाहिए। कदम ब कदम ऊपरी हिस्से की तरफ जाएं और फिर हर सीढ़ी के कदम पर कंक्रीट को अर्थाश के जरिए से पेवस्ता करें। और तकसीम शुदा दीवार की कंक्रीटिंग के लिए क्या किया जाए? जब तकसीम शुदा दीवार को कंक्रीट करें तो लेयर को डिलेमिनेट करना
लंबाई याद रखें, लेकिन उम्मीदवारों को चाहिए कि दीवार की लंबाई की तरफ ध्यान दें और इम्तिहान के मुताबिक पैमाइशी जरूरियात पर भी। ओह, सूरज तो आग बरसा रहा है, क्या तुम लोग ठीक हो? नहीं। क्या जिनके कब्जे में आ गए हो? कोई बड़ी बात नहीं। क्या मुझसे खौफजदा हो? अरे ऐसे कैसे? ए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास तुमसे मजाक करने का वक्त नहीं है, अब हमें कंक्रीट डालना है और जाहिर है कि हमें कंक्रीट को मुतजलजल करना है। मुतजलजल करेंगे, फिर कंक्रीट में फंसी हवा को बाहर निकालेंगे। कंक्रीट डालने के बाद हवा से बचाने के लिए हमें कुरीदनी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसे कहते हैं पुरसुकून रहना। सर, कुरीदनी के इस्तेमाल के लिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? कुरीदनी को इस्तेमाल करते वक्त उसको उमूदी सिमत में रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि फासला मुनासिब हो। कुरीदनी को उमूदी सिमत में रखें ताकि कंक्रीट को डालने के बाद उसको पेवस्ता किया जा सके। इस बात का इत्मीनान कर लें कि कंक्रीट में मौजूद हवा को खारिज किया जा सके। आवाज में तफरीक को गौर से सुने। कंक्रीट को पेवस्ता करने के बाद सतह को हमवार करें। इस बात का इत्मीनान कर लें कि लकीर सीधी सिमत में हो और कंक्रीट का पिंसाल दुरुस्त हो और ऊंचाई में नाहमवारी ना हो। कंक्रीट माहिराना ट्रेड इम्तिहान का आखिरी हिस्सा है कि फर्श की कंक्रीट को मुकम्मल करना। Face to the love of the yesteryear। सच्ची कहता हूँ कि दुआ करो। बन, दूसरों की बजाय तुम्हें खुद से आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन यह तुलू का वक्त है। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये फुल थ्रॉटल है? क्या मैं हसीन हूँ? अरे क्या यह बुगी है? ज्यादा संजीदा भी न बनो। सबसे अहम बात मौजू अंदाज होने की है और तुम सलामत रहोगी। चलो चलें। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिस्टर को, लकड़ी के पुल की तामीर और बग्गी के इस्तेमाल में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तहम टेक को बराबर और पुख्ता होना चाहिए। सरिये पर तहम टेक को दबाना नहीं चाहिए। एक खाली बग्गी को इस्तेमाल करके आप लकड़ी के पुल को जांच सकते हैं। अब एक सवाल, इस इम्तिहान को देने के लिए सबसे अहम काबिलियत क्या होनी चाहिए? कंक्रीट बहुत वजनी है, अगर हम कमजोर हो तो इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं देते क्या? सबसे जरूरी चीज है सुनना। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कंक्रीट का मुतजलजल मौजू है? हम आवाजों के दरमियान तफरीक को कैसे जांच सकते हैं? आवाजों में तफरीक को नोट करें। अगर आवाज मुजस्सम होती है तो फिर सीमेंट और रेत के मसनद के दरमियान तकसीम को देखें, फिर सब ठीक रहेगा। कोक सर, अगर कंक्रीट का मुतजलजल और तकमील सही ना हो तो क्या होगा? अगर तकमील सही नहीं हुई तो वो बेहरकत पानी का सबब बनेगा और अगर मुतजलजल मौजू ना हो तो नतायज संजीदा भी हो सकते हैं। नहल खाना जैसे मसाइल हो सकते हैं। इमारत का ढांचा मुतासिर हो सकता है। स्लैब कंक्रीटिंग के हिस्से के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को चाहिए कि लकड़ी के पुल को दुरुस्त तौर पर तामीर करें। लकड़ी का पुल बराबर और पुख्ता होना चाहिए। सरिये पर थंब टेक को दबाना नहीं चाहिए। आप तामीर के बाद कंक्रीट का मुतय्यन कर सकते हैं। याद रखिए कि दुरुस्त अंदाज अपनाएं। और आखिरी बात, उम्मीदवारों को चाहिए कि कंक्रीट को हमवार करने के लिए तुनकी स्लैब का इस्तेमाल करें। नहल खाना जैसे मसाइल हो सकते हैं। अगर मुतजलजल मौजू ना हो तो इमारत का ढांचा मुतासिर हो सकता है। इन हालात में नंबर काटे जाएंगे और आपके हतमी नतायज को भी मुतासिर करेंगे। उम्मीदवार इम्तिहान के बाद मकाम को साफ करें, बस इतना ही। ओह, कैसा इत्तेफाक है, काम से फारिग हो गई? मैं भी। चलो चाय भी है। क्या तुम आज गाड़ी लेकर आए हो? मुझे अंकल के साथ खाना खाने जाना है। ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास कार है। मेरी कार में बहुत सारा सामान है। चलो कुछ करते हैं। तुमने पहले कभी कुछ नहीं किया, तुम ही करो। ओह, अब तुम्हारी बारी है। ओहो, चलो छोड़ो। आप सबके लिए हमारा आखिरी वादा अभी भी वही है। ए लेने के लिए अपना रास्ता बनाएं। हम तुम्हें यही छोड़कर जा रहे हैं। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, तुम बहुत बुरे हो। चलो।
उम्मीदवार इम्तिहान से पहले इंतहाई नजरसानी का चंद मिनट के लिए मुताला कर सकते हैं, फिर आप इम्तिहान देने में आसूदा महसूस करेंगे। इम्तिहान से पहले याद रखें कि कंक्रीट का दर्जे हरारत लाजमी लेना है। इम्तिहान से पहले स्लम टेस्ट लेना ना भूलें, ताकि पता चल सके कि कंक्रीट काम के मयार पर उतरता है या नहीं और इमारत के ढांचे का मयार बरकरार रखता है। फिर चाहे सीढ़ी के लिए कंक्रीटिंग की जा रही हो या तकसीम शुदा दीवार पर, उम्मीदवारों को चाहिए कि क्रेन के अमल से रابطे के लिए दुरुस्त सिग्नल का इस्तेमाल करें। कंक्रीट को नामजद शुदा मकाम पर रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट को सांचे में पड़ी बाल्टी में डालें। उम्मीदवार को इम्तिहान में दरकार पैमाइशों पर तवज्जो देनी चाहिए, इसको दुरुस्त होना चाहिए वरना आपको तकमील को हमवार करने में ज्यादा वक्त लगेगा। कंक्रीट को डालने के बाद व्यवस्था करने के लिए कुरेदनी का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के दौरान कुरेदनी को उमूदी सिमत पर रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि फासला मुनासिब हो, ज्यादा करीब हो, ना ही ज्यादा दूर। उम्मीदवारों को चाहिए कि इस बात की यकीन दहानी कर लें कि कंक्रीट का मुतजलजल मौजू है, वरना नहल खाना जैसी सूरत हाल होगी और इमारत के ढांचे को भी मुतासिर करेगी और आपके नंबर भी काटे जाएंगे।